राहुल इस बार मेरे धान को सस्ता मत बिकवा देना। पिछली बार तुमने मेरे धान को काफी सस्ते भाव में बिकवा दिया था, क्योंकि मैं इस मंडी में तुम्हारी आड़त पर अपने धान को लाता हूँ। इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि मेरे धान को ऊंचे से ऊंचे भाव में बिकवाऊं। अरे कैसी बात करी मोदी जी, इस टाइम तो धान का रेट वैसे ही ज्यादा चल रहा है। इस बार आपका धान काफी महंगा बिकवाऊंगा। देख रहे हो, मैंने आपके धान की खरीदारी करने के लिए बहुत बहुत दूर से व्यापारी बुलाए। चलो भाई लोगों, धान की बोली की शुरुआत करो। मोदी जी, जिस तरीके से आप अपने धान की तारीफ ही कर रहे हो, उतना अच्छा तो आपका धान है नहीं। फिर भी बोली की शुरुआत मैं 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करता हूँ। 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। मैं तो सोच ही रहा था कि बोली की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ही करेंगे। 2000 रुपए प्रति क्विंटल से आगे भी कोई खरीदार है? अरे राहुल, हमको यहाँ पर झक मारने दौड़ी आए हैं। 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान की बोली मैं लगाता हूँ। राहुल कैसे व्यापारी बुलाएं, कोई ढंग के व्यापारी बुलाया करो। ये तो ज्यादा महंगी मेरे धान की बोली नहीं लगा रहे हैं। अरे मोदी जी, पहले बोली की सही तरीके से शुरुआत तो होने दो। अभी दो ही व्यापारियों ने तो बोली लगाई है, अभी तो सारे के सारे व्यापारी बचे हुए हैं। राहुल धान तो कोई खास लग नहीं रहा है मोदी जी का। फिर भी चलो, मैं अपनी तरफ से बोली 3000 रुपए प्रति क्विंटल की लगाता हूँ इस धान की खरीदारी के लिए। सिद्धरमैया जी, मेरी तरफ से धान की बोली 3500 रुपए प्रति क्विंटल। वैसे तो इस धान को खरीदने का मेरा कोई खास मूड है नहीं, क्योंकि धान इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब यहाँ आ गया हूँ तो धान की बोली तो लगाऊंगा ही, 4000 रुपए प्रति क्विंटल। और आगे भाई साहब बोली लगाओ। इतनी दूर से जब ये धान खरीदने के लिए आया हूँ तो धान तो मैं ही खरीदूंगा। 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। अखिलेश जी, ऐसे कैसे दे दो, हम भी तो यहाँ पर आए हुए है। 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान को मैं खरीदता हूँ। राहुल कोई बोली में मजा नहीं आ रहा है, लगता है मेरा धान सस्ता ही बिक जाएगा। और मोदी जी, इससे महंगा क्या बिकेगा, धान का रेट 3000 रुपए प्रति क्विंटल है और आपके धान की बोली 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। लालू जी ने अभी बोली लगाई है। अरे मोदी जी, ये धान है कोई सोना चांदी थोड़ी है जो सोने के भाव बिक जाएगा। कैसे राहुल सोना चांदी नहीं है, तुमने बोगाना नहीं सुना है? मेरे देश की धरती सोना उगले, मैं तो अपने अनाज को सोना ही समझता हूँ, इसीलिए मेरे धान को और महंगा बिकवाऊँ। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल सही से धक्का दो, ये ठेला खींचे से नहीं खींच रहा है, लगता है ठेले में आज लड्डू तुमने ज्यादा भर दिए। लेकिन मोदी जी, अभी मैं ठेला खींच रहा था तो आप पीछे से धक्का नहीं दे रहे थे इस ठेले में। लेकिन मोदी जी, ऐसे कब तक अपना ठेले पर गांव-गांव जाकर लड्डू बेचते फिरेंगे? राहुल तुम्हें तो मालूम ही है, अपना दोनों की पार्टनरशिप में मिठाई की दुकान है और इस पूरे एरिया में अपनों से अच्छे लड्डू कोई नहीं बनाता है। लेकिन मोदी जी, कोई बनाता नहीं है, अपना एक जगह दुकान पर रखकर ही इन लड्डू को क्यों नहीं बेचते हैं? राहुल, अगर अपना लोग दुकान में अपने गाँव में इन लड्डू को लेकर बैठोगे तो सिर्फ गाँव के ही लोग इस लड्डू को खरीदेंगे। लेकिन जब अपना लोग ठेले में भरकर इन लड्डू को बेचने के लिए निकलते हैं तो कई गाँव में बेचकर आते हैं। अरे वो देखो, योगी जी आ गए ठेले पर जलेबी लेकर। इनकी जलेबी भी पूरे एरिया में मशहूर है, बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं ये, जैसे अपना लोग लड्डू बनाते हैं। अरे मोदी जी, ये ठेले में लड्डू लेकर बेचने के लिए कहाँ जा रहे हो? योगी जी, जिस तरफ से तुम ये जलेबी बेचकर आ रहे हो उसी तरफ हम ये लड्डू बेचने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी, एक अच्छी सलाह देता हूँ, अगर मेरा कहना मानो, जिधर से मैं जलेबी बेचकर आ रहा हूँ उस तरफ लड्डू बेचने मत जाओ, कोई खरीदने वाला नहीं है। अरे मोदी जी, इन योगी जी की बातों में मत आना, ये जिधर से जलेबी बेचकर आ रहे हैं इधर ही अपना लड्डू बेचने के लिए चल रहे हैं। सुबह सुबह देखा था मैंने, जलेबियों से भरकर पूरा ठेला ले गए थे, अब इनके ठेले में आधी भी जलेबी नहीं बची, सारी की सारी बेचा है और अपनों को लड्डू बेचने से मना कर रहे हैं। राहुल तुम्हारी मर्जी, चले जाओ, तुम्हारे लड्डू उधर बिकेंगे नहीं जिधर से मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उस गांव में कोई है ही नहीं, सब लोग कावड़ यात्रा पे गए हुए हैं। हाँ मोदी जी, ये योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जिस गाँव से जलेबी बेचकर आ रहे हैं मैं उसी गाँव का रहने वाला हूँ, इनकी वहाँ पर एक भी जलेबी नहीं बिकी, क्योंकि मेरे गाँव के सारे लोग कावड़ यात्रा पर गए हुए हैं, कोई है ही नहीं गाँव में। लेकिन भाई साहब, आप कावड़ यात्रा पे क्यों नहीं गए, आप कैसे टहल रही हैं? अरे मोदी जी, मैं इस साल कावड़ यात्रा पे जा नहीं सका, अगली बार जरूर जाऊंगा। दो लड्डू कितने के दे रहे हो, दो लड्डू दे दो। अखिलेश, कभी कभी हमारी जलेबी भी खाकर देख लिया करो, कभी भी जलेबी मेरी नहीं लेते हो तुम, एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। ये क्या बात हुई योगी जी, अखिलेश मुझसे लड्डू मांग रहा है, तुम उसे जलेबी के लिए बोल रहे हो? राहुल ठेले को अपनी गाँव की तरफ मुड़ा लो, अखिलेश के गाँव की तरफ तो जाना बेकार है, क्योंकि इसके गाँव में कोई है ही नहीं। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
पता नहीं लालू जी क्या हो गया, आज के नौजवानों ने ड्राई फ्रूट खाना ही बंद कर दिए, कोई खरीदता ही नहीं है। देखो अपने गांव में मुझसे अखरोट किसी ने नहीं खरीदे, अब मैं इन्हें बराबर वाले गांव में बेचने के लिए जा रहा हूँ। वैसे आप ये बादाम कौन से गांव में बेचने के लिए जा रहे हो? मोदी जी मैं भी बराबर वाले गांव में ही बादाम बेचने के लिए जा रहा हूँ। और मोदी जी मैं आपको फ्री की सलाह दूँ, बराबर वाले गांव में आप ये अखरोट लेकर बेचने के लिए मत जाओ, मेरे बादाम के सामने तुम्हारे अखरोट बिकेंगे नहीं, तुम अगले वाले गाँव में अखरोट बेचने के लिए निकल जाओ। लालू जी या तुम्हारे बादाम मेरे अखरोट के सामने नहीं बिकेंगे, अखरोट तो बेचने के लिए मैं बराबर वाले गाँव में ही जाऊंगा, तुम आगे वाले गाँव में अपने बादाम बेचने के लिए निकल जाओ। और वैसे अखिलेश तुम कहाँ जा रहे हो अपने काजू लेकर? मोदी जी मैं भी बराबर वाले गाँव में काजू बेचने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोगों ने ड्राई फ्रूट खाना ही बंद कर दिए, काजू बादाम अखरोट आज के वक्त में बहुत कम लोग खाते हैं। अखिलेश तुम भी बराबर वाले गाँव में जा रहे हो? अरे तुम तो आगे वाले गाँव में काजू बेचने के लिए चले जाओ, सब लोग क्या एक ही गाँव में अखरोट काजू बादाम बेचोगे? अरे मोदी जी लालू जी थम जाओ रुक जाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आई? अरे राहुल और योगी जी आप कैसे हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हो? अरे मोदी जी अपना गांव छोड़कर ये अखरोट काजू बादाम बेचने के लिए दूसरे गांव में क्यों जा रहे हो? क्या बताएं राहुल, अपने गांव में तो मेरे तो ये कोई बादाम खरीद नहीं रहा था, इसीलिए मैं दूसरे गांव में बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे राहुल अपने गांव के लोग ये काजू बादाम या अखरोट नहीं खरीदते, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने के बहाने से काजू बादाम या अखरोट को खाकर देखते हैं और फिर खरीदते हैं नहीं काजू बादाम अखरोट, कहते हैं ये तो कड़वे हैं। तो मोदी जी मुझे आप अपनी टोकरी में से एक अखरोट फोड़कर खिलाकर दिखा दो, अगर अखरोट अच्छा हुआ तो 1 किलो अखरोट ले लूंगा। राहुल तुम भी वो ही करने लगे जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, इतने महंगे ड्राई फ्रूट है, बिना चेक करे हम अखरोट या काजू बादाम कैसे खरीद लेंगे? एक बार खाकर तो देखेंगे, खाकर दिखाओ हमें, कड़वे तो नहीं है, सड़े हुए तो नहीं है। मोदी जी अपना भी वक्त बर्बाद हो रहा है, लोगों की बातों में मत रुको, ये चेक करने के बहाने से अपने काजू बादाम अखरोट खा जाएंगे। चलो दूसरे गांव में बेचने के लिए चलते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।